एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2015 के PYQ इंग्लिश के. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग्स. सो आपने देखा था कि कल जो हमने PYQs किए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, यानी कि आपको इस जो पार्ट है ये फनीम, मोफीम, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सब अच्छे से पता होने चाहिए. तो इसका आंसर रहेगा मीनिंग्स. मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मीनिंग्स की स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड मोफोलॉजी. ओके, फोनोलॉजी इज़ जो हम अक्षरों जैसे कि बी, बैट. फोनीम इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, फॉर एग्जांपल ब, क, ट. एंड फोनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ वर्ड्स. देन सिंटेक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ग्रामर, ग्रामेटिकल रूल्स. सिमेंटिक इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द मीनिंग. एंड मोर्फोलॉजी इज़ द रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग्स. नेक्स्ट, द चेंजेस इन एनी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट. किसी भी लैंग्वेज में जो चेंजेस होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, मासिव एंड यूनिफॉर्म एलिट्रेशन, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल एलिट्रेशन, या मासिव यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल एलिट्रेशन. सो इसमें राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोज़ में जो ट्रिक्स बताई हैं कि आपने पेडागोजी में हमेशा एक जो वाइड, जो बड़ा ऑप्शन है उसको चूज़ करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिस्टर्स एज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रेफर्स टू. रजिस्टर, क्रियोल, पिडगिन, ये सब टर्म्स भी आपने एक बार स्टडी करके जानी है. इसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं. सो रजिस्टर एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि स्पेसिफिक लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है. ऑप्शंस आर लेक्सिकल डिफरेंसेस एंड ग्रामेटिकल फीचर्स, ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स. डिसाइड लेक्सिकल डिफरेंसेस, ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स एज वेल. सो इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी. ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, थर्ड ऑप्शन इज टेक्स्ट बुक मेथड, फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसलेशन मेथड. सो इसमें आपको हमने एक क्वेश्चन कल भी देखा था कि उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बहुत बताया गया था, जो हमें हम बचपन में जैसी हमने पढ़ाई की है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. सो जो क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग है उसको हम द ट्रांसलेशन मेथड ही बोलते हैं. सो द डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट जो मेथड पे क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी बताया था आप मेथड्स जरूर से पढ़िए, टीचिंग मेथड्स. ओके, सो डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रामर प्रोसीड्स लैंग्वेज लर्निंग. ग्रामर जो है लर्निंग को प्रोसीड करती है. ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली. ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है. सो जो वर्ड है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, इसके बीच का भी डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर टॉट एट अ डेफिनेट स्टेजेस थ्रू स्पोकन लैंग्वेज आर्टिकुलेशन विद करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड इंटोनेशन इज इम्पॉर्टेंट. इसका करेक्ट रहेगा ग्रामर प्रोसीड लैंग्वेज लर्निंग. इसमें क्या है, हमें डायरेक्टली ही पढ़ाया जाता है. इसमें कोई रूल्स, हमें ग्रामर के पहले रूल्स नहीं बताए जाते, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, पहले ही हमें डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, ताकि जैसे कि हम फॉरनर्स इंग्लिश सीखते हैं, जैसे हम अपनी हिंदी भाषा को सीखें फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, वैसे ही इसमें इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चे को. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नोशनल फंक्शनल अप्रोच कैन बी यूज फॉर. जो नोशनल टर्म जो है वो किसी और के लिए भी यूज़ की जाती है. किसके लिए? स्ट्रक्चर अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच. स्ट्रक्चर सिचुएशनल अप्रोच द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. राइट आंसर इज कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेपरेटरी रीडिंग में ऑल्सो बी कोल्ड. प्रेपरेटरी रीडिंग को और क्या कहा जाता है? फॉर्मल रीडिंग, इंसिडेंटल रीडिंग, लाउड रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग. So the right option is incidental reading. Next question, which of the following methods of teaching reading lays emphasis on the individual unit of thought and language? इसमें से कौन सा method है teaching का जो reading के जो individual unit of thought and language पे focus करता है? Look and say method, the phrase method, the sentence method or the phonic method? 68 का राइट आंसर है सी.
the sentence method. Next question, which of the following statement is not correct? Options are, dictation can help in teaching spelling, transcription can be used for practicing writing, substitution tables may be used for teaching a new construction of a sentence. In a good composition, ideas should be placed in a logical sequence. So iska right answer hai the sentence method. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट? डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग, ट्रांसक्रिप्शन कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिसिंग राइटिंग, सब्स्टिट्यूशन टेबल मे बी यूज फॉर टीचिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, इन अ गुड कॉम्पोजिशन आइडियाज शुड बी प्लेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. सो जो करेक्ट नहीं है वो ये है कि डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट रीडिंग मे बी, साइलेंट रीडिंग क्या हो सकती है इनमें से भी? ऑप्शंस आर प्रेपरेटरी इन नेचर, रिविजनरी इन नेचर, नीदर ए और नॉर बी, और बोथ ए एंड बी. सो द राइट आंसर इज डी. साइलेंट रीडिंग हम रिविजन के लिए भी करते हैं और प्रेपरेशन के लिए भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थिसॉर्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द लैंग्वेज आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू. जो थिसॉर्स होते हैं जिसमें हम जो डिक्शनरी के जैसे ही एक होती है बुक, उसमें हम वर्ड एंड फ्रेजेस और जो लैंग्वेज के होते हैं उसको किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं? देयर साउंड, सिमिलैरिटी इन मीनिंग, ऑर्थोग्राफी और इटमोलॉजी. इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट एज एसे ऑन इफ आई वर अ किंग वी वर आस्किंग हिम टू राइट. सो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले PYQs में भी देखा है कि ऐसे के टाइप्स जो हैं उसके बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चन. सो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सेकंड इज़ रिफ्लेक्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे या इमेजिनेटिव ऐसे. सो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम इस तरह की कंडीशन लेके चलते हैं कि इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे जो ऐसे होते हैं उनको हम इमेजिन करते हैं और इमेजिनेटिव ऐसे बोलते हैं. डिस्क्रिप्टिव जिसमें डिस्क्रिप्शन फुल्ली दे रखा होता है. एक्सपोजिटरी बोलते हैं जिसमें हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन के ऊपर हम लिख रहे हैं अगर ऐसे, तो इस तरह के ऐसे जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजिटरी ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीन्स. सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को जब हम ग्रुपिंग में करते हैं उसका मतलब क्या? ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ग्रुपिंग ऑफ फ्रेज एंड मीनिंग, ग्रुपिंग ऑफ साउंड वर्ड फ्रेज एंड मीनिंग. सो द राइट ऑप्शन इज डी. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच ऑन द साउंड साइड, मॉर्फीम इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच ऑन द मीनिंग साइड. नॉट करेक्ट पूछा है. मॉर्फीम इज द फर्स्ट बेसिक यूनिट इन द एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज. मॉर्फीम इज टिपिकली कंपोज ऑफ वन टू सेवरल फोनीम्स. सो वट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर. ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. नेक्स्ट 75, दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड इज अ, इट इज अ मिथ, ट्रूथ, हर्सी और फिक्शन. सो इसका राइट आंसर है इट इज अ ट्रूथ. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ये हमने 2015 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. थैंक यू.